दोस्तों क्लीनिंग से जुड़े आने वाले अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक ऐसा मशीन जो हाउसकीपिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी मशीन है, जो फ्लोर और कारपेट को स्क्रब करके सतह को चमकाने का काम करता है और उस मशीन का नाम है सिंगल डिस्क। दोस्तों हाउसकीपिंग से जुड़े हर एक बंदे को सिंगल डिस्क मशीन को असेंबल और इस्तेमाल करने का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं हर एक इंसान जो हाउसकीपिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हो वो अपने आप को तैयार करे ग्लोबली रिप्रेजेंट करने को। वीडियो आखिर तक जरूर देखे कैसे सिंगल डिस्क मशीन के हर एक पुर्जे को सही तरीके से जोड़ा जाता है और इस्तेमाल के दौरान क्या सावधानी रखना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसे डिटेल में। सिंगल डिस्क मशीन का मेन बॉडी पार्ट जिसमें मोटर लगी है वह वुडन केस पैकिंग में आता है, क्योंकि मेन मोटर को कोई डैमेज ना हो, और बाकी पुर्जे जैसे वाटर टैंक, हैंडल, फ्लोर स्क्रबिंग ब्रश, कारपेट क्लीनिंग ब्रश और स्क्रबिंग पैड होल्डर, यह अलग अलग स्टैंडर्ड बॉक्स के पैकिंग में आते हैं। सिंगल डिस्क के हैंडल को जोड़ने के लिए पहले चेसिस में लगे चारों शंख हेड स्क्रू, जिसका साइज है M8x25mm के स्क्रू को एलन की से निकालकर उस पर हैंडल रखकर स्क्रू फिट करके उसके ऊपर वाटर टैंक को जोड़ दे। वाटर टैंक को जोड़ने के लिए लगने वाली सामग्री: एक वाटर टैंक सॉफ्ट प्लास्टिक स्क्रू, दो टैपिंग नट या मेट, तीन वाटर टैंक माउंटिंग प्लेट, चार वाटर टैंक, पांच यू टाइप वाटर टैंक फास्टनर, छः नॉब टाइप वॉल रॉड, सात स्पूल, आठ आउटलेट पाइप, 9 आउटलेट नोजल। पहले दोनों यू टाइप फास्टनर को रबर पट्टी लगवा ले और वाटर टैंक को हैंडल पर रख कर एंगल वाला यू फास्टनर टॉप वाले बाजू में और दूसरा बॉटम साइड में लगा कर उसे वाटर टैंक माउंटिंग प्लेट के साथ नट को फिट करें। और सॉफ्ट प्लास्टिक स्क्रू लगा दे। यह नॉब टाइप वॉल रॉड है, इसका पहले नट निकालकर इसे होल के अंदर पास करके वापस नट लगाकर पुल में फिट करें। इससे कम ज्यादा पानी का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद वाल्व को वाटर टैंक पर लगाकर उस पर वाटर आउटलेट पाइप लगाकर आउटलेट नोजल को मशीन के चेसिस में बाजू वाले होल में लगा दे। इससे डाइल्यूट किया हुआ क्लीनिंग केमिकल्स
ब्रशिंग के वक्त सतह पर सही मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पावर केबल का प्लग मशीन के सॉकेट में लगा दे और 3-ब्लेड एम्पलर में ब्रश को लगवा दे। पावर स्विच ऑन करके मशीन को चेक करें। टेक्निकल पैरामीटर। यह मशीन अलग अलग कलर में आती है, उनका टेक्निकल पैरामीटर सेम है। टाइप SC005, वोल्टेज 220 W/50 Hz, पावर 1100 V, स्पीड ऑफ रोटेशन 154 RMP/min, नॉइज 54 dB, लेंथ ऑफ पावर केबल 12 मीटर, डायामीटर ऑफ बेस डिस्क 17 इंच, नॉन लोडिंग पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंसेस 7%, नेट वेट 48 kg, सेफ्टी परफॉर्मेंस टाइप आई, नॉर्मल सर्विस लाइफ 3 to 5 years, इंटरनल और एक्सटर्नल मटेरियल्स एल्यूमिनियम प्लास्टिक स्ट्रक्चर्स, जंग प्रतिरोधक एसिड और क्षारीय जंग के लिए प्रतिरोध, डिग्री ऑफ एंटी स्ट्राइकिंग फ्लाइट ट्रैकिंग रेजिस्टेंट। मशीन को जोड़ने वाले एक्सेसरीज, कारपेट ब्रश, फ्लोर स्क्रबिंग ब्रश, पिन टर्मिनल और वाटर टैंक। मेन फंक्शन, फ्लोर और कारपेट को वॉश करना, वैक्स क्लीनिंग और स्लो स्पीड पॉलिशिंग। दोस्तों, आप सिंगल डिस्क को जब भी यूज कर रहे हैं तो उसका पावर केबल और प्लग चेक करें। अगर कोई कट है तो अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करें। यूज करते टाइम ब्रश को लगाएं और यूज करने के बाद ब्रश को तुरंत ही निकाल दें। चाहे वो कारपेट ब्रश हो, फ्लोर स्क्रबिंग ब्रश हो या स्क्रबिंग पैड होल्डर हो। दोस्तों, डस्ट का डॉक्टर के साथ जितना आप कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे उतना ही क्लीनिंग से जुड़े स्किल को अपग्रेड करते जाएंगे। तो दोस्तों, एक लाइक आपके नाम। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।